हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्थेटिक क्राफ्ट्स एंड गुड मॉर्निंग आल्सो, बिकॉज अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 7:46 हो रहे हैं एंड मैं आई हूँ छत पे ये अपनी स्किपिंग रोप को लेके, क्योंकि मैं आज काफ़ी दिनों बाद रस्सी कूदने वाली हूँ। कल शाम को पता नहीं क्या जो चढ़ा मुझे, मैंने अपनी स्किपिंग रोप को निकाला एंड जस्ट कूदने लगी, तो मेरा मन करा कि अब मैं सुबह भी कूदूंगी, क्योंकि अभी विंटर्स हो रहे हैं तो विंटर में ना मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे शतरंग वाले खेल रचने का बहुत मजे आते हैं, फिर क्या बोल जा रही हूँ। तो चलो अभी हम लोग जल्दी से रस्सी कूदते हैं। एंड ये जो बैकग्राउंड में साउंड आ रही है ना, ये टफी की आ रही है, ये भौंकने जा रही है, क्योंकि मैंने इसको बांध दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको खोल के छोड़ देती ना तो ये मेरे को करने नहीं देती है, इसको ना आके पकड़ लेती है, जब ऐसे घूम रही होती ना तब इसको इरिटेशन होती है, इसलिए मैंने इसको बांध दिया है, ये भौंकने जा रही है। एंड हाँ, बाय द वे, इतने दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, वो तो अभी भी हूँ, पर हाँ नाउ आई फील बेटर, पहले से बेटर हूँ, सो दैट्स व्हाई आई ओपन दिस ब्लॉग, सो लेट्स गो। जितनी भी रस्सी मेरे को कूदनी थी मेरे को अपने स्किपिंग करनी थी, मैंने उतनी कर ली है और नहीं कर सकती मैं, पर हाँ कबूतर को देख के भाग रही है वो। सो हाँ, मैं जितनी भी मेरे को करनी थी मैंने उतनी कर ली है, शान मुझे जितनी भी करनी थी मैंने उतनी कर ली है, अभी मैं थोड़ी सी ट्राई करती हूँ और करने की, मैं आप लोगों को बताऊँ मुझे आती नहीं है करनी, थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मेरे को प्रॉपर वाली आ जाए, इसलिए मैं अटक जाती हूँ बीच में करते करते। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे अपनी जो स्किपिंग रोप है उसको सेट करके फाइबर के ऊपर रख रही हूँ, जो कि टफी बहुत देर से बंधी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसको खोल देती हूँ, जो कि वो रात में बंधी रहती है, फिर रात में बंद के सोती है, क्योंकि जब तक उसे रात में ना बांधो ना तब तक वो ना शैतानी करती रहेगी, तो उसे मैं ना रात में बांध देती हूँ, तब तक जब सुबह होती है तभी मैं उसे खोलती हूँ, तब तक फिर वो बंधी रहती है, तो उसकी वजह से ना छत पर आके फिर पूरे दिन खुली रहती है, ऊपर अभी भी मैं उसे बांध दूँगी फिर वो खेल नहीं पाएगी। एंड यहाँ पर देखो मेरी जो स्किपिंग रोप है वो मैंने इतने ऊपर रखी थी, तब भी चढ़ के उठाई ली इसने, मतलब इसमें बहुत गंदी आदत है पता है प्ले बाइटिंग की, उसको डांटो ना तो ये मतलब दांत मारने लग जाती है, मैं इसको काफ़ी बार डांटा है मारा है पर ये मानती नहीं है, मतलब मेरी बात तो वैसे ही नहीं मानती, पर हाँ अगर इसको डैडी डांटते तो डैडी के बाद बहुत जल्दी मान जाती है। कहाँ चढ़ रही है, सभी हम लोग आए हुए हैं टेरेस पे एंड यहाँ पे देखो टफी भौंक जा रही है, मैं उसको चुप कराने के लिए बार बार जा रही थी पर ये मार ही नहीं रही थी। एंड यहाँ पे कार्तिक अपना स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं एंड जो मेरी छोटी वाली बहन है वो भी नीचे गई है, एंड मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं धूप में आकर फिर मैं भी बैठ गई थी, वरना तो मैं नीचे बैठी हुई थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सो कल दोपहर में शूट करने के बाद मैंने व्लॉग आके कंटिन्यू नहीं करा था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, बट अभी मैं अगले दिन शूट कर रही हूँ व्लॉग एंड अभी बज रहे हैं 6:37 एंड कल क्रिसमस था, आज मेरा स्कूल जो है वो ओपन है, तो मैं 3 डेज बाद स्कूल जा रही हूँ, कल अब मैं बहुत लेट सोई थी, लाइक 11:30 बजे सोई थी मैं, जो कि नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, खांसी पे खांसी एंड अभी मुझे इतना तेज़ नींद आ रही, इतनी ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है, मतलब मैं आप लोग बता नहीं सकती, बट अभी कुछ नहीं कर सकती बिकॉज स्कूल जाना है तो स्कूल का रेडी भी होना है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ एंड स्कूल का रेडी होती हूँ, पर उससे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ एंड टफी को खाना भी देना है, तो वो मैं बाद में दूँगी, पहले मैं उसे रेडी वगैरह होंगी, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी तब मैं उसको खाना खिलाऊँगी, सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं ब्रश वगैरह करके आती हूँ, फ्रेश वगैरह होकर आती हूँ, लेट्स गो। तो कैसे मैं ब्रश करके आ गई हूँ, अभी पहन रही हूँ अपनी ड्रेस, सो मैं जल्दी से ड्रेस पहन लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे कार्तिक बैठा हुआ है, अपने टाइम में गेम खेल रहा है। क्या कार्तिक, क्या खेल रहे हो? रोब्लॉक्स। कह रहा है पागल था रोब्लॉक्स, बस घटिया गेम है। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, मेरा ब्लेजर पहनना रह गया है एंड आज उसने दरवाजे मेरे को बाहर कोहरा दिखा है, वरना इस सर्दियों में कोहरा तो आया ही नहीं था बिल्कुल भी, फाइनली 26 दिसंबर को कोहरा आ चुका है एंड अंकल नहीं आए, चलो चलते हैं, अभी अंकल नहीं आए, अंकल आने वाले हैं, सो
जब अंकल आएंगे तब मैं जाऊंगी। बाय बाय बाय। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी सीधा स्कूल से आने के बाद, यानी कि 3 PM। बाय। हे फेरीज, सो अभी जो डेट है, जो आज डेट है वो है 27 दिसंबर। एंड आप लोग को पता होगा कि कल था, मतलब जो मेरा पूरा कल का दिन था वो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा बुरा गया। बिकॉज लाइक आप लोगों को यही पता होगा कि मैं स्कूल गई थी, उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि लाइक मैं अब आप लोगों से मिलूंगी सीधा 2-3 PM पे। आई नो मैंने आप लोगों से यही कहा था, बट उसके बाद मैं स्कूल नहीं गई थी। बिकॉज जब मैं स्कूल जा रही थी तो मेरी गली के बाहर में जिस ऑटो से जाती हूँ, वो ऑटो बैंड होकर मतलब पूरा गिर गया, और उसमें जो मेरा पैर था उसमें लग गई चोट। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। मैंने पहले गर्म पट्टी से बांध दी थी, जो ऑरेंज कलर की होती है ना, वो बांधी थी मैंने। बट देन उसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल हुआ, मतलब मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, दर्द बहुत हद तक मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, और मैं उसमें मतलब कंट्रोल कर ही लेती हूँ पूरा। बट हाँ, जिस हिसाब से मेरा कल दर्द हुआ है ना, मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही, इवन मैं ढंग से चल भी नहीं पा रही हूँ। एंड पूरा पैर जो है मेरा लेफ्ट साइड का वो मतलब स्वेल हो चुका है, मतलब ये वाला पूरा पैर नहीं, सिर्फ ये नीचे नीचे का होता है ना, ये पूरा स्वेल हो चुका है। रुको मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसकी वजह से फिर मैं कल शूट भी नहीं कर पाई, जब मैं वापस आ गई थी मतलब मैं स्कूल पहुंच ही नहीं पाई थी। मतलब मैं अपने गली तक से बाहर निकली थी, सिर्फ गली से एग्जैक्ट बाहर निकली थी, उसी पॉइंट पे थी जो लाइक सॉरी जो गली के बाहर निकलते जाता है, मैं एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे थी, और वहीं पे मेरे साथ ये सब हुआ। एंड मेरे जो 3 भाई बहन हैं, मेरे कजन्स एंड मेरी जो बहन है छोटी वाली, वो हम तीनों मतलब हम चारों संग में ही थे। मतलब वो लोग निकल गए, बट जो मेरा पैर था वो पता नहीं, उसमें मेरा पैर मतलब वहाँ से बाहर निकल के जहाँ पे मतलब जगह थी वहाँ से ऑटो मतलब अजीब तरीके से कुछ फंस गया मेरा पैर उसमें। तो इतना बड़ा ऑटो, इतने किलो का ऑटो मेरे पैर पे लाके गिर गया। और वो फिर मतलब जितने भी मेरे नेबर्स में लाइक अंकल वगैरह है वो आए, नेबर्स में भी और जो आसपास थे वो भी, तो उनमें से एक अंकल आए, फिर उन्होंने ऑटो उठवाया था, क्योंकि वो ऑटो मतलब इतना भारी नहीं है। पर हाँ ये है, अगर पैर पे गिरेगा तो बाहर ही होगा। नहीं मैं बहुत हेल्दी हूँ, जो मैं कंट्रोल कर लेती, इतनी पतली सी हड्डी है तो उसकी वजह से मेरे बहुत तेज़ लग गई। एंड डैडी ने कहा था कि एक्सरे करा लो, बट मम्मी ने मतलब पहले तो मम्मी मना करी थी, वो भी कह रही थी कि एक जो मतलब 2 डेज़ का बेड रेस्ट जो है वो ले लेते हैं, और मतलब सिकाई वगैरह कर लेती हूँ तो क्या पता उससे ही हो जाए। बट नो, डैडी ने कहा कि एक्सरे ही करवाओ, जो कि बार बार रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब चीज़ टाइम पर ही कर लेनी चाहिए, वही अच्छा है। तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, मैं जा ही नहीं पा रही थी, इवन मुझे ना स्लीपर सब पहनने में दिक्कत हो रही है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने वहाँ से जाके एक्सरे करवाया है, तो जो मेरी एक्सरे रिपोर्ट है वो आ चुकी है। और मैं वहाँ से थोड़ा शॉपिंग, मतलब जब मेरी एक्सरे हो गया था ना, तो एक्सरे के बाद मैं जब मेरी रिपोर्ट बन रही थी वहाँ पे, तब मैं चली गई थी शॉपिंग पे। वहाँ पे चल रही थी सेल बहुत मस्त वाली, मैं वहाँ से 2 बहुत ही एस्थेटिक से स्वेटर लाई, बिकॉज यू नो इट्स विंटर टाइम, सो इसलिए बहुत ही 2 एस्थेटिक से मतलब वो लाई, बहुत क्यूट एंड सिंपल ओवर से मतलब मैं लाई हूँ स्वेटर। सो लेट मी शो यू। एंड अभी मैं आप लोगों को और बातें हैं बताने के लिए, वो आप बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा जो लेग है वो दिखा देती हूँ, कितना स्वेल हो रहा है, ये रखा है पीछे। एंड ये है मेरे शॉपिंग वाले स्वेटर्स, मैं 2 स्वेटर लाई हूँ, बिकॉज मैं इस वाले विंटर मेरा काफ़ी सारा ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी हूँ, बस काफ़ी सारे नए न्यू क्लोथ्स हो चुके हैं। सो मैं खाली अभी 2 ही लाई हूँ, सो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है मेरा लेफ्ट वाला लेग जिसमें लगी है मेरी चोट। सो आप लोग ये देखो कितना स्वेल हो चुका है, एंड ये वाली साइड से पूरा छिल भी गया था। एंड उसका ये वाला पार्ट है ना, मेरे कज़न का पेन है। एंड आप लोग देखो मेरा राइट वाला एंड लेफ्ट वाला पैर, एंड देन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से फिर नज़र आएगा। एंड अभी देखो आप लोग कितना ज़्यादा स्वेल हो चुका है। सो गाइस, नाउ आई एम गोना शो यू माय स्वेटर्स जो कि मैं लाई हूँ आज। एंड बाय द वे, ये जो है मेरी विंटर शॉपिंग के लास्ट स्वेटर है, क्योंकि मैं इस विंटर में कुछ ज़्यादा शॉपिंग कर चुकी हूँ, सो इस बारी मुझे और नहीं करनी है, मेरी लास्ट शॉपिंग है। सो फर्स्ट स्वेटर हमारा है ये, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है, एंड कब ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा यूनिक टाइप का है। एंड इसके अंदर ना मतलब कोई इनर या फिर ब्यूटीफुल सा टॉप पहन सकते हैं हम लोग विंटर का, देन उसके ऊपर से हम लोग ये वेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये ना मतलब वैसे वाले स्वेटर है जो कि जिसके अंदर होल्स वगैरह होते हैं, जो कि मतलब डिज़ाइन के लिए ऊपर से पहने जाते हैं, देन इसके अंदर जो है हमें कुछ और पहनना होता है। सो नाउ आई एम गोना शो यू माय सेकंड स्वेटर। सो ये है हमारा सेकंड स्वेटर, जो कि ज़्यादा प्यारा है। आप लोगों को इसका जो कलर है वो थोड़ा डल दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, बट ये लाइटनिंग की वजह से हो रहा है, लाइटनिंग इशू, उसके लिए सॉरी। बट रियल में इसका कलर काफ़ी ज़्यादा फाइन है, लाइक वाइट कलर का स्वेटर है ये। एंड इसका टैग ये रहा, आप लोग प्राइस भी देख सकते हो इजीली, आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसका प्राइस है 599, बट हम लोग इस सेल में से लाए हैं, इसलिए इसका प्राइस जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी को पता है। सो आप लोग बताना आप लोगों को ये स्वेटर कैसे लगे। ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला टॉप है येलो वाला, ये मैंने वेयर कर लिया है, मैं आप लोग उसका लुक दिखाती हूँ।
थोड़ा कैमरा सेट करके एक जगह पे। सो ये देखो, ये है इसका लुक कुछ इस टाइप का, लाइक कब से तो प्रिटी फाइन प्रिटी है, प्रिटी फाइन फाइन प्रिटी, आई डोंट नो वट एवर। सो ये कुछ इस तरीके का लुक है इसका, लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। एंड लाइक अभी तो मैंने यूट्यूब पर रखा है, तो उसका जो शोल्डर वाला पार्ट है, लाइक नेक वाला जो पार्ट है बेसिकली, वो इतना प्रीटी नहीं लग रहा। बट हाँ, अगर मैं इसके अंदर कुछ और वेयर करूँ जिससे इसका जो ये वाला पार्ट है ये परफेक्टली हो जाए, मतलब फिक्स, सो अच्छा लगेगा। मतलब मेरे पास ना इसके अंदर पहनने के लिए एक टॉप है, बट वो ना मैंने कभी चेंज नहीं करा, मतलब तो मुझे पूरे कपड़े चेंज करने पड़ते। सो अब मैंने आप लोगों का लुक ऐसे दिखा दिया, जब मैं ऐसे कभी और वेयर करूँगी ना परफेक्टली, देन आई एम गोना शो यू डेफिनेटली। अभी हम लोग ये वाला भी पहन के दिखाते, सॉरी ये वाला। बट हाँ, उससे पहले आप लोग मुझे ये वाला बताना कि आप लोगों को ये वाला कैसा लगा। वैसे इस ब्लू जीन्स के ऊपर भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज यू नो कि ब्लू एंड येलो का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस, मैंने जो ये वाला टॉप है, आई मीन स्वेटर या फिर विंटर टॉप, आप लोग कह सकते हो जो भी, ये जो भी है इसको मैंने वेयर कर लिया है। एंड ये काफ़ ज़्यादा प्रिटी है, मुझे बहुत पसंद आया। एंड मैं थक भी चुकी हूँ, जो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये देखो मैं लेटी हुई हूँ। एंड हाँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, इसको भी सेट करती कैमरा एक जगह पर। ओके, सो ये कुछ इस तरीके का टॉप है, फर टाइप का। एंड इसके अंदर मैं कुछ और वेयर करूँगी, बिकॉज इनर मुझे अच्छी नहीं लग रही दिखते हुए। ये देखो, ये भी वैसे सभी चीज़ का काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे वो येलो वाला लग रहा था वैसे मुझे ये वाला भी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। एंड अलग दी स्टाइल, अलग दी कपड़ा, जो कि ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइक एपर से ही लव इट। ये देखो इसका, ये इतना कुजी कुजी सा है, आई होप यू लाइक इट। आप लोग बताना दोनों में से बेस्ट कौन सा है कमेंट सेक्शन में। एंड देखो, ये मम्मी है, मम्मी अपने लिए एक स्वेटर लाई है, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। एंड वो लाई थी, हाँ ये मम्मी लाई थी, मम्मी ने पहन रखा है, बट वो मम्मी लाई थी मेरे साइज़ का, बट वो मेरा आया ही नहीं, वो मतलब मेरे बड़ा था तो मैंने उन्हें खरीद दिया। सो मैं वापस से ये पहन लेती हूँ, हमारा रेगुलर वाला हुडी। चलो मैं इसको एक्सचेंज कर लेती हूँ। तो सॉफ्ट है यार, मेरा मन कह रहा है इसको पहन के रखूँ, बहुत सॉफ्ट है, इसको पहनते हैं। फाइनली मैंने ये पहन लिया है। अभी मैं सारे ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, बिकॉज सारे ब्लॉग कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मैं इतने ब्लॉग लाइक इतने बड़े ब्लॉग शूट नहीं करती, बट ये हो चुका है। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लोज दिस ब्लॉग। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, देन definitely subscribe my channel and like this video also. So now I'm gonna meet you in my next video. So bye bye, and also take care of you. And ha, next vlog dekhna bhulna mat, wo bhi shayad aayega, kyunki main bed rest pe hu 5 days ke liye. So bed pe rest jab main karti rahungi to mere paas kuch bhi nahi hoga shoot karne ke liye, but ha, still main try karungi apni taraf se ki main jab bhi main matlab kahin bhi jaun, matlab जो भी करूँ मैं, तो मैं वो शूट करके आप लोगों को दिखाऊँ। वैसे आप लोगों को जब डॉक्टर के पास आई थी, मेरे को आपको तब भी दिखाया था, बट मैं आप लोग फ़ोन घर पे भूल गई थी, सो इसलिए मैंने शूट नहीं करा, बिकॉज मुझे अपने फ़ोन में कंफर्टेबल ज़्यादा होता है शूट करने में, वरना मैं चाहती तो मम्मी के फ़ोन में शूट करके इस वाले फ़ोन में शेयर करके तब इस वाले फ़ोन में एडिट कर सकती थी, बट इतना लंबा मैसेज मुझे करना पसंद है नहीं, सो इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं करा। सो चलो, बहुत बकबक कर ली, मैं आप लोगों को सारी स्टोरी बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में ढंग से बैठ के कि मेरे लक के साथ क्या हुआ है। तब तक मुझे ये भी बांधनी है, ये गर्म पट्टी जो होती है ये वाली, ये बांधनी है अपने लेग में, लपेटनी है। सो चलो, इसको बांधते हैं जल्दी से, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू। एंड हाँ, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जाके देख लो।